धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मचा घमासान, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी सहित आजाद प्रत्याशी ने जहां अपनी हार के लिए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया, वहीं धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश कपूर ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व मंत्री जीएस बाली को अपने निशाने पर ले लिया है। राजेश कपूर ने प्रेस वार्ता में कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में दो आजाद प्रत्याशी ऐसे थे जो कि जिला से संबंधित पूर्व मंत्री के शर्गित थे। पूर्व मंत्री चाहते तो उन्हें बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रयास ही नहीं किए, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। धर्मशाला उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस प्रत्याशी सहित आजाद प्रत्याशी ने जहां अपनी हार के लिए पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया है, वहीं धर्मशाला ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश कपूर ने अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व मंत्री जीएस बाली को अपने निशाने पर ले लिया है। राजेश कपूर ने प्रेस वार्ता में कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में दो आजाद प्रत्याशी ऐसे थे जो कि जिला से संबंधित पूर्व मंत्री के शागिर्द थे। पूर्व मंत्री चाहते तो उन्हें बिठा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे प्रयास ही नहीं किए, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा और उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। राजेश कपूर ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में इतने बड़े नेता आए थे जो घुमाते रहे और पिकनिक मनाते रहे। राजेश कपूर ने कहा कि पार्टी ने प्रत्याशी चयन के लिए ब्लॉक कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया और प्रत्याशी ने ब्लॉक कांग्रेस से बैठक करके कोई मंत्रणा नहीं की। इसके बावजूद ब्लॉक कांग्रेस ने काम लिया। अब हार हुई तो उसका ठीकरा किसी न किसी पर फोड़ना था, तो हम पर फोड़ते हुए ब्लॉक कार्यकारिणी को बंद कर दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस धर्मशाला के पूर्व अध्यक्ष राजेश कपूर ने कहा कि धर्मशाला उपचुनाव में ब्लॉक कांग्रेस को विश्वास में लिए बिना प्रत्याशी दिया गया, जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। बिना पूछे कैंडिडेट दिया धर्मशाला में, तो उसका जो नतीजा निकला वो आपके सामने ही है। अगर हमें पूछ के कैंडिडेट देते या ब्लॉक को सभी को कॉन्फिडेंस में लेते कि कैसा कैंडिडेट होना चाहिए था, तो हम एक ऐसा कैंडिडेट देते, या अगर ये ही टिकट लेने के बाद हमसे एक बार भी पूछते कि भाई आप, मैं टिकट लेके आ गया हूँ, पूरा ब्लॉक मेरे साथ चलो, मेरा सहयोग करो, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके कारण जो कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ा वो सामने, इसलिए ब्लॉक ने साथ नहीं दिया। नहीं, ब्लॉक ने पूरा कार्य किया है, मगर उस हिसाब से नहीं, एकजुटता से मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा हुआ। आपने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री थे, उनके शागिर्द थे, तो उनको बिठा सकते थे, क्या आरोप है? बिल्कुल, राकेश चौधरी जी और पूर्व माननीय विधायक मूलराज पादा जी के पुत्र पुनीश पादा जी, ये हमारी ही पार्टी के रहे हैं शुरू से ही, मगर जो पूर्व मंत्री ने बिठा सकते थे, जिनके ये समर्थक रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अगर ये कोशिश करते तो शायद आज नतीजे कुछ और होते। पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से जो वो कांग्रेस जो है वो हारी है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल निराधार है और इसका हम खंडन करते हैं। निष्कासन की क्या वजह मानते हैं आपको? निष्कासित किया गया? हमें निष्कासित नहीं किया गया। आपके जी, आपके पदों को पदों से हटाया गया? देखिए, पार्टी की जमानत जब्त हो चुकी है धर्मशाला में, ये तो तय ही है कि हार का ठीकरा किसी न किसी के सर फोड़ना है, वो मैं ब्लॉक अध्यक्ष से ही, मगर राठौर साहब ने ही मुझे बनाया था, और अगर ऐसा लगता है कि अब इनके जो भी इनका है उसके लिए मैं इनकी फैसले का स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस पूरे उपचुनावों में कहती आएगी एकजुट, लेकिन अब वही चुनावों से पहले विजेंद्र कर्ण ने सुधीर शर्मा को घेरा, अब आपका जो पद से हटाया गया है, तो इस तमाम तथ्य आपकी एकजुटता पे सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? ये हमने इसलिए तो कांग्रेस तो शुरू से ही धर्मशाला में एकजुट थी, मगर मुझे लगता है कि इतने ज्यादा नेते धर्मशाला में आ गए कि कार्य हुआ ही नहीं, वो घुमाते रहे, पिकनिक मनाते रहे, हर होटलों में खाना खाते रहे, ऐसा ही कुछ हुआ है, और जिसका जो नतीजा है वो जमानत जब्त के रूप में सामने आया है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।